दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ रेणुका डोरा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रेणुका डोरा। थैंक यू सभी को मेरे इस चैनल पे आने के लिए सभी का स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है, आज दो गेम होने वाली है, मुंबई राजस्थान और गुजरात और दिल्ली के बीच में। तो मुंबई और राजस्थान के जो बीच होने वाली है, अब से 9 आवर्स और 13 मिनट्स बाकी है। मैं सुबह में बना रही हूँ, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सुबह यहाँ पे मुंबई और राजस्थान का लोगो देखने को मिलेगा, बस यहीं पे हमें टच करनी है। जैसे ही मैं यहाँ टच कर दी हूँ, दूसरा पेज खुल के नज़र आ रहा है जहाँ पर लिखा है एडिट टीम्स। तो एडिट टीम बैक चलते हैं, यहाँ टीम्स बनानी है ना मुझे, तो यहाँ पे बैक करते हैं इसको। एड टीम में हम यहाँ पे एड टीम, जैसे मैं ये टीम यहाँ पे टच की हूँ तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लोगो दूसरा पेज खुल के हैं जहाँ पे हमें मुंबई का लोगो और राजस्थान का लोगो देखने मिलेगा है। 100 की क्रेडिट दी गई है। जस्ट नीचे में विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर भी दिए गए हैं। 100 के अंदर ही हमें 11 टीम तैयार करनी है, तो इसी के अंदर ही हमें 11 टीम तैयार करनी है। और जैसे यहाँ पे सारे टीम के खिलाड़ी के नाम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जब जब मैं जो जो विकेट कीपर, बैट्समैन और ऑलराउंडर बॉलर में टच करूँगी, यहाँ पे अपने आप खिलाड़ी के नाम नज़र आने लगेंगे। अगर मेरे चैनल पे अभी तक लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और चैनल पर न्यू हो तो बेल आइकन के साथ प्रेस करें ताकि न्यू नोटिफिकेशन मिल जाए, जो भी मैं डालूँ वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो घंटी बजाना ना भूलना, घंटी ज़रूर बजा के आना हमारे घर। तो चलिए फिर, अब इसको मैं लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक भी कर दे। और ये टीम ए होने वाली है शाम को 3:30 PM को ये गेम होगी, और ये गेम खेली जाएगी DY पाटिल स्टेडियम में खेली जाएगी। और ये स्टेडियम है मुंबई में, है ये मुंबई में स्टेडियम है, तो यहाँ पे खेली जाएगी। और इसकी पीच बहुत ही साफ़ सुथरी पीच है, बहुत ही अच्छी पीच है, बहुत ही सोच समझ के पीच बनाई है। यहाँ पे बॉलिंग वगैरह बहुत अच्छी से होती है, और वेदर की बात किया जाए तो बहुत ही क्लीन वेदर है, साफ़ सुथरे वेदर है, बारिश होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। और हिट टू हिट बात किया जाए दोनों के बीच में कितनी बार गेम हुई है, तो दोनों 27 बार भिड़े हैं एक दूसरे से, जिसमें मुंबई इंडियन 12 बार विनर हुए हैं। और राजस्थान रॉयल जो है वो ये 14 बार विनर हुए हैं, NR इसका 1 है। तो यहाँ पे 2 गेम ज़्यादा जीते हैं राजस्थान रॉयल। यहाँ पे थोड़ा पलरा इसका भारी लग रहा है, तो कुछ भी हो सकता है, कौन जीतता है कौन हारता है आज पता चलेगा। तो आप इसकी टेलीकास्ट देख सकते हैं, लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट एंड डिजली प्लस हॉटस्टार में, आप वहाँ से आराम से आप लाइव टेलीकास्ट इस गेम का देख सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं टीम बनाना, क्रिएट टीम बनाना। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे विकेट कीपर है, तो विकेट कीपर जैसे मैं यहाँ पे टच करूँगी तो यहाँ पे सारा खिलाड़ी के नाम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखने मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे विकेट कीपर में लूँगी ईशान किशन को लेती हूँ, और फिर यहाँ पे जोश बटलर को लेती हूँ, और फिर यहाँ पे संजू समन को लेती हूँ। मैं 3 ले ली हूँ यहाँ पे विकेट कीपर। आगे बढ़ते हैं बैट्समैन में, तो बैट्समैन में यहाँ पे लूँगी रोहित शर्मा को, और फिर यहाँ पे लूँगी, यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे देवदूत पाटिकल को लेती हूँ, और फिर यहाँ पे लूँगी एसराज जसवाल को लेती हूँ, और फिर यहाँ पे स्क्रॉल करूँगी, स्क्रॉल करते हुए मैं यहाँ पे तिलक वर्मा को लेती हूँ। तो यहाँ मैं 4 ले ली हूँ। आगे बढ़ते हैं ऑलराउंडर की तरफ, तो ऑलराउंडर में जहाँ पहुँचे यहाँ भी स्क्रॉल करेंगे तो सारे खिलाड़ी के नाम दिखने मिलेंगे। तो आराम से आप बनाना। ऑलराउंडर में यहाँ पे लूँगी डेनियल सैम्स को लेती हूँ मैं, तो यहाँ मैं ऑलराउंडर में 1 ही लूँगी। अब आगे बढ़ते हैं बॉलर्स की तरफ,
तो बॉलर्स जैसे ही बॉलर्स हैं यहाँ भी स्क्रॉल कीजिए, पूरा खिलाड़ी के नाम आपको नज़र आएंगे। तो स्क्रॉल ज़रूर करना, भूलना मत, क्योंकि स्क्रॉल करने से पूरा खिलाड़ी के नाम और आगे भी आएंगे। तो यहाँ पे मैं लूँगी ट्रेंड बोल्ट को लेती हूँ और फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लूँगी युजेंद्र चौल को लेती हूँ और फिर मुर्गन आश्विन को ले। तो मेरा टीम बन के रेडी है। तो जैसे मैं दिखाऊंगी, यहाँ मुंबई में 5 ली हूँ, मुंबई से राजस्थान से मैं 6 ली हूँ, यहाँ क्रेडिट लेफ्ट 0 की दिखा रही है। तो मेरे यहाँ पे टीम बन के रेडी है। अब मैं इसको नेक्स्ट करती हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट की तो यहाँ दूसरा पेज खुल के आना है, क्योंकि हमें कैप्टन और वाइस कैप्टन भी चूज़ करनी है। कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत ही महत्वपूर्ण है गेम में। अगर कैप्टन अच्छा चूज़ किया है तो 2 गुना पॉइंट मिलेंगे, और वाइस कैप्टन अच्छा चूज़ किया तो 1.5 गुना पॉइंट मिलेंगे। ये पॉइंट कहीं नहीं जाएंगे, मिलेंगे ज़रूर। अगर अच्छा चूज़ किए तो अच्छा गेम भी जिता सकते हैं। तो चलिए फिर कैप्टन चूज़ करते हैं। तो कैप्टन में यहाँ पे लूँगी जोस बटलर को मैं कैप्टन लेती हूँ, और वाइस कैप्टन में ईशान किशन को लेती हूँ। तो मेरा टीम बन के रेडी है। मैं यहाँ पे सेव कर दूँगी, टीम मैंने सेव कर दिया है। अब मेरा टीम सेव हो गए हैं। अब मैं यहाँ आगे बढ़ूँगी प्रीव्यू में। तो जैसे मैं प्रीव्यू में गई तो यहाँ पे सारा टीम आपको खुल के नज़र आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे जैसे देख रहे हो आप कि मैं यहाँ पे ली हूँ विकेट कीपर 3 ली थी, और यहाँ पे 4 ली थी मैं बैट्समैन को, और यहाँ पे मैं ऑलराउंडर 1 ली थी, और यहाँ पे बॉलर भी 3 ली थी। यहाँ वाइस कैप्टन कैप्टन भी है यहाँ पे जो मिली थी। तो आप देख रहे हो। तो थैंक यू सभी का। अगर कोई आपको इसकी जानकारी के बारे में पूछनी है, इसके रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए, तो आप कम्युनिटी बॉक्स में पूछ सकते हो, तो हमेशा खुले रहता है। अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।